नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूवर्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेकंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें कोड EL 200, सब्जेक्ट कोड EL 206, वेव प्रोपोगेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो चैप्टर नंबर 3 है एंटीना के अंदर वेरियस एंटीनाज दिए हुए हैं। तो आज उन एंटीनाज में हम पैराबोलिक एंटीनाज के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ पैराबोलिक एंटीना, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ पैराबोलिक एंटीना, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स, कैस्केडियन फील्ड, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलिक एंटीना के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पैराबोलिक एंटीना से। द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर और डिश एंटीना इज द फॉर्म ऑफ एंटीना विच फाइंड्स मेनी यूजेस इन डोमेस्टिक सैटेलाइट टेलीविजन रिसेप्शन, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव डाटा लिंक्स, जनरल सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड मेनी मोर। बेसिकली पैराबोलिक एंटीना या पैराबोलिक रिफ्लेक्टर या कॉमन लैंग्वेज में हम इसे डिश एंटीना की भी बोलते हैं। तो ये एंटीनाज हम बेसिकली डोमेस्टिक सैटेलाइट टेलीविजन रिसेप्शन में बेसिकली यूज़ करते हैं। उसके अलावा टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव डेटा लिंक्स के लिए हम इस टाइप के रिफ्लेक्टर्स को यूज़ करते हैं। जनरल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर या डिश एंटीनाज को यूज़ करते हैं। और काफ़ी और हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स को या पैराबोलिक एंटीनाज को यूज़ करते हैं। जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स हैं वो माइक्रोवेव एंटीनाज होते हैं, यानी माइक्रोवेव एंटीना माइक्रोवेव रेंज के अंदर काम करते हैं। तो जो इनका फ्रिक्वेंसी रेंज जिस पर ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स काम करते हैं वो अबव 1 MHz के होते हैं। और ये एंटीनाज बेसिकली रेडियो और वायरलेस एप्लीकेशंस के अंदर बहुत वाइडली यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है। प्रिंसिपल ऑपरेशन हम बात करें तो द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ पैराबोला इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड फोकस प्लस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉन्स्टेंट। तो ये जो पैराबोलिक एंटीनाज होते हैं ये पैराबोला की शेप में होते हैं। और पैराबोला की अगर हम बेसिक डेफिनेशन अगर बात करें तो पैराबोला होता है एक लोकस ऑफ ए पॉइंट, यानी पॉइंट का मूवमेंट। लोकस होता है मूवमेंट, तो किसी पॉइंट का मूवमेंट किसी एक पॉइंट से और किसी एक स्ट्रेट लाइन जिसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और जो फिक्स पॉइंट होता है उसे फोकस बोलते हैं। तो इन फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से जो इसका मूवमेंट होता है, लोकस होता है पॉइंट का, वो फिक्स होता है। इसलिए हम इसका जो लोकस बनता है, उसका जो एक कर्वेचर बनता है, वो पैराबोला की शेप में बनता है। तो बेसिकली जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स या पैराबोलिक एंटीनाज होते हैं वो पैराबोला की फॉर्म के अंदर या पैराबोला की शेप के अंदर होते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज द ज्योमेट्री ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। द पॉइंट एफ इज द फोकस, फीड इज गिवन एंड वी इज द वर्टेक्स। द लाइन जॉइनिंग एफ एंड वी इज़ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसा ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं एफ है फोकस है और वी है वर्टेक्स है। तो ये फोकस और वर्टेक्स लाइन हमारी फिक्स है। तो द लाइन जॉइनिंग वी एंड एफ इज़ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जो लाइन जिससे हमने इस वी को और एफ को ज्वाइन किया है, इस लाइन को, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। पी क्यू आर द रिफ्लेक्टेड रेज वेयर एल रिप्रेजेंट्स द लाइन डायरेक्ट्रिक्स ऑन विच द रिफ्लेक्टेड पॉइंट लाइज। और इसमें जो पी क्यू है, ये देखिए पी और क्यू, P1 Q1, P2 Q2, P3 Q3, ये हमारे जो डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं। और जो एल होता है, एल जो लाइन है, ये एल लाइन, ये आप देख सकते हैं डॉट, एक बहुत ही हल्की लाइन एक हमने बना रखी है, ये एल लाइन हमारी होती है लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑन विच द रिफ्लेक्टेड पॉइंट लाइन, जिस पर कि सारे जितने भी रिफ्लेक्टेड पॉइंट हैं वो लाई करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको बोलें तो इस डायग्राम से अगर हम इसको देखें तो जितने भी कोई भी सिग्नल अगर हमारा या कोई भी जो लाइन है वो अगर फोकस से निकल रही है
तो वो पीपर इस पे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पर या पैराबोलिक स्ट्रक्चर पर P1, P2, P3 पर अगर वो इंसिडेंट होती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो Q1, Q2 और Q3 यानी पैरेलल लाइन के अंदर कन्वर्ट होती है। सिमिलरली अगर ये रिसेप्शन का काम अगर इससे हम करें तो Q1, Q2, Q3 अगर कोई तीन लाइनें पैरेलल लाइनें हैं और वो P1, P2, P3 पर रेस्पेक्टिवली इंसिडेंट हो रही हैं तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो सीधे F फोकस पॉइंट पर जो कि एक फिक्स पॉइंट है उस पर जाकर इंसिडेंट होंगी। द रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म ए कॉलिमेटेड वेव फ्रंट कॉल्ड आउट ऑफ द पैराबोलिक शेप। द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ टू अपर्चर साइज F/D रेशियो इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंड इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0.25 to 0.50। जो F/D रेशो है, F/D रेशो क्या होगा, जो फोकल लेंथ है और अपर्चर साइज है, अपर्चर साइज और फोकल लेंथ जो होगी उन दोनों का जो रेशो होगा वो 0.25 से 0.50 तक हमेशा लाई करता है पैराबोला के केस में। तो ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इस पैरामीटर पर, ये F/D रेशो के ऊपर काम करता है। हम देख सकते हैं इसके अंदर ये F और D का जो रेशो है, ये D तो है अपर्चर लेंथ, अपर्चर साइज, और F है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और अपर्चर साइज का जो रेशो है उसे हम F/D या F/D रेशो भी बोलते हैं, और उसकी जो रेंज होती है, वो वैल्यूज होती हैं, वो 0.25 से 0.50 तक इसकी वैल्यू हमें मिलती है। और ये कौन सी, ये लमसम सभी पैराबोला के लिए, पैराबोलिक शेप्स के लिए ये वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। जो रिफ्लेक्शन का लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई है इंसिडेंस एंगल, इक्वल्स टू एंगल आर है रिफ्लेक्शन एंगल। दिस लॉ व्हेन यूज्ड अलोंग विद द पैराबोला हेल्प्स द बीम फोकस। और इस लॉ को हम इम्प्लाई करके बीम फोकस के रूप में पैराबोला के अंदर काम करते हैं, काम में लेते हैं। द शेप ऑफ द पैराबोला व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एग्जिबिट्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला विच आर हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग एन एंटीना विच यूजिंग द वेव रिफ्लेक्टेड। और जब ये शेप, हम पैराबोला की शेप को हम यूज़ करके एक रिफ्लेक्टर हम बनाते हैं, या तो हम इसको रिसीवर की तरह यूज करते हैं, तो उस केस के अंदर ये जो रिफ्लेक्शन होता है वेव्स का, वो एक कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो पैराबोला की, उसको कंटेंट करके और एक जो भी सिग्नल इंसिडेंट होता है उन सिग्नल इंसिडेंट को कलेक्ट करके और एक सिंगल पॉइंट पर, फिक्स पॉइंट पर हमें इंसिडेंट करवाती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बनाते हैं। ये इसका डायग्राम है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर या पैराबोलिक एंटीना या डिश एंटीना का, जिसके अंदर ये ब्लू जो स्ट्रक्चर है, ब्लू लाइन जो है वो स्ट्रक्चर है, उसके अलावा ये वर्टेक्स है, ब्लैक लाइन, और एल है लाइन ऑफ सिमेट्री डायरेक्ट्रिक्स, और ये हमारे इंसिडेंट पॉइंट्स हैं इस रिफ्लेक्टर पर, P1, P2, P3 और Q1, Q2, Q3 जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं, रिफ्लेक्टेड वेव्स के पॉइंट्स हैं डायरेक्ट्रिक्स पर। और ये सारे पॉइंट्स हमारे, हम इसको किसी भी तरह से यूज़ करते हैं, अगर वाइस वर्सा भी हम इसको यूज़ करते हैं, अगर ट्रांसमीटर है तो सिग्नल F से ट्रांसमिट होगा, रिफ्लेक्ट या पैराबोला पर जाएगा, पैराबोला से P1, P2, P3 पर इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्ट होकर Q1, Q2, Q3 पर ये जाएगा। और अगर हम इसको एज ए रिसेप्टर यूज़ कर रहे हैं तो Q1, Q2, Q3 से हमारे इंसिडेंट सिग्नल्स आएंगे, वो P1, P2, P3 पर इंसिडेंट होंगे, P1, P2, P3 से इंसिडेंट होने के बाद में इस शेप की वजह से, पैराबोलिक शेप की वजह से ये सारे के सारे रिफ्लेक्ट होकर, जो सिग्नल से वो रिफ्लेक्ट होके F जो एक फिक्स पॉइंट होता है वहाँ कंसंट्रेट होगी, वहाँ इंसिडेंट होंगे। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। इफ़ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ए सिग्नल, द सिग्नल फ्रॉम द फीड कम्स आउट ऑफ ए डाइपोल और ए हॉर्न एंटीना। अगर हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को एक सिग्नल ट्रांसमीटर की तरह यूज़ करेंगे तो जो सिग्नल है, वो सिग्नल फीड है, वो हमारा डाइपोल या हॉर्न एंटीना की तरह एंटीना से रिलीज होगा, ट्रांसमिट होगा, और ये जो एंटीना है ये हमारे
पैराबोला के फोकस पॉइंट पर सिचुएटेड होंगे। इट मींस दैट द वेव कम आउट ऑफ ए फोकल पॉइंट एंड स्ट्राइक्स द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। इसका मतलब यह है कि जो वेव्स हैं जो फोकल पॉइंट है उस फोकल पॉइंट पर डाइपोल या हॉर्न एंटीना जो हमारे लगे हुए हैं वहाँ से निकल लेंगी वेव्स और वो जाके स्ट्राइक करेंगी पैराबोलिक वोलेडल रिफ्लेक्टर पर, और वहाँ से स्ट्राइक होकर मान लीजिए एफ पर, तो हमारा जैसे ये हमारा एंटीना है इस एंटीना पर एफ जो पॉइंट है यहाँ हमारा डाइपोल एंटीना लगा सकते हैं हम या फिर हॉर्न एंटीना लगा सकते हैं, यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हो गया। ये किस सिग्नल, ये केस है हमारा जब हम इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को ट्रांसमीटर की तरह काम करवा रहे हैं, तो यहाँ वो जो एंटीनाज लगे हुए हैं डाइपोल एंटीना या हॉर्न एंटीना वो एंटीना यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे, वो सिग्नल एफ पी वन पी टू और पी थ्री इन पॉइंट्स पे सिमिलरली ऐसे ही पॉइंट्स पर हम हमारे इंसिडेंट करेंगे और रिफ्लेक्ट होंगे इस पैराबोलॉइडल रिफ्लेक्टर से, और ये जो सिग्नल आगे ट्रांसमिट होंगे रेडिएशन की फॉर्म में। द सेम एंटीना इज़ यूज्ड एज ए रिसीवर, हम इस एंटीना को सेम एंटीना को हम रिसीवर की तरह भी यूज़ करते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिट्स द शेप ऑफ पैराबोला द वेव गेट रिफ्लेक्टेड ऑन टू द फीड पॉइंट, और जब कोई इंसिडेंट वेव्स इस पर कोई सिग्नल इंसिडेंट होगा एयर से आके इसमें इंसिडेंट होगा इस स्ट्रक्चर पैराबोलिक स्ट्रक्चर पर पैराबोला की शेप पर, तो वो इंसिडेंट वेव जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो हमारे इन पॉइंट्स से रिफ्लेक्ट होकर एक फीड पॉइंट पर जाकर मिलेंगी। द डाइपोल और द हॉर्न एंटीना विच आर एक्ट एज ए रिसीवर एंटीना एट इट्स फीड रिसीव्स द सिग्नल, और फिर से यहाँ जो फोकस है उस फोकस पर हमारे या तो डाइपोल एंटीना या हॉर्न एंटीना को हम यहाँ लगाएंगे और वो डाइपोल एंटीना या हॉर्न एंटीना यहाँ उस सिग्नल को रिसीव करके जो इंसिडेंट हुए पैराबोलिक स्ट्रक्चर से वो उसको यहाँ रिसीव करेंगे और रिसीव करके और हमारे फीड पॉइंट पर उस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एज ए यहाँ ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करेंगे और उस वेव को ये हाई फ्रिक्वेंसी आरएफ करंट के अंदर कन्वर्ट करके और फीड करेंगे फीड लाइन पर दे दी जाएगी। द डाइपोल और हॉर्न एंटीना विच एक्ट एज रिसीवर एट इट्स फीड रिसीव्स द सिग्नल टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड फॉरवर्ड इट टू रिसीवर सर्किट्री, और इसके बाद में वो रिसीवर सर्किट्री को यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई डिफरेंस नहीं है, हमारा जो स्ट्रक्चर है चाहे ट्रांसमीटर हो चाहे रिसीवर हो दोनों ही टाइम पर एक जैसा ही होगा। और जो एफ है मेन चीज़ यहाँ है कि जो सिग्नल यहाँ से अगर ट्रांसमिट हो रहा है या भले ही रिसीव हो रहा है तो दोनों ही केस में जो एफ पॉइंट यानी फोकस पॉइंट है उस फोकस पॉइंट पर हमारा या तो आइदर हम डाइपोल एंटीना यूज़ करेंगे या फिर हॉर्न एंटीना यूज़ करेंगे। तो सिग्नल अगर ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ से तो एफ पॉइंट से जहाँ पर डाइपोल या हॉर्न एंटीना लगा है तो सिग्नल अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो वो यहाँ से सिग्नल इस स्ट्रक्चर पर इंसिडेंट होगा वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एयर में ट्रांसमिट होगा, और अगर रिसीव हो रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी और स्ट्रक्चर पर स्ट्राइक करेंगी, उसके बाद में स्ट्राइक करने के बाद में वो रिफ्लेक्ट होकर इस फोकस पॉइंट पर जहाँ हॉर्न एंटीना या डाइपोल एंटीना लगा हुआ है उन पर वो जा उन एंटीनास पर वो जाएगी और वहाँ से वो सिग्नल कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर और वो रिसीवर सर्किट्री में पास ऑन हो जाएगा। द गेन ऑफ द पैराबोलिक वोलेडल इज अ फंक्शन ऑफ अपर्चर रेशियो द इफेक्टिव रेडिएटेड पावर ईआरपी ऑफ एन एंटीना इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनपुट पावर फीड टू द एंटीना टू इट्स पावर गेन। तो जो गेन होता है इस एंटीना का जो गेन होता है वो गेन हमारा डी बाई लैम्डा पर डिपेंड करता है। अब ये डी बाई लैम्डा क्या है, डी बाई लैम्डा डी है हमारा अपर्चर साइज और एल लैम्डा है हमारा वेवलेंथ। तो जो गेन है वो डिपेंड करेगा अपर्चर साइज टू लैम्डा या वेवलेंथ। तो और इसको हम इस रेशो को अपर्चर रेशो बोलते हैं। तो जो गेन होता है वो इस अपर्चर रेशो का एक फंक्शन होता है, और जो इफेक्टिव रेडिएटेड पावर जिसे हम ईआरपी बोलते हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं, जो ईआरपी होता है वो ईआरपी होता है किसी एंटीना का वो होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इनपुट पावर फीड टू द एंटीना एंड इट्स पावर गेन। किसी भी एंटीना पर जो पावर फीड दिया जाता है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है उसके पावर गेन से, तो ये इसका इफेक्टिव रेडिएटेड पावर होगा। तो ये ईआरपी और गेन के बारे में इसकी बात थी। यूजुअली ए वेवगाइड हॉर्न एंटीना इज़ यूज्ड टू फीड यूज्ड एज ए फीड रेडिएटर फॉर द पैराबोलॉइडल रिफ्लेक्टर एंटीना अलोंग
with the technique we have another type of feed given to the paraboloid reflector antenna called a Cascadian feed. जनरली तो हम हॉर्न एंटीना को यूज़ करते हैं फीड रेडिएटर की तरह इस पर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना में, लेकिन इसके साथ साथ एक और हम तरीका होता है फीड का, उसे हम कैस्केडियन फीड बोलते हैं, जो कि इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीनाज में हम यूज़ करते हैं. अब ये कैस्केडियन फीड क्या होती है? तो कैस्केडियन फीड होती है कि कैस्केडियन इज़ अनदर टाइप ऑफ फीड गिवन टू द रिफ्लेक्टर एंटीना. ये दूसरी तरह की एक फीड होती है जो हम इस कैस्केडियन फील्ड का एक दूसरी तरह की फीड होती है जो हम रिफ्लेक्टर एंटीनाज में यूज़ करते हैं. इन दिस टाइप द रिफ्लेक्टर द फीड इज़ लोकेटेड एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोलॉइडल अनलाइक द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के अंदर तो क्या होता है कि हम एक फोकस से उसको फीड देते हैं फोकस पॉइंट से, लेकिन कैस्केडियन फीड में क्या होता है कि जो हमारा वर्टेक्स होता है उस वर्टेक्स से हम लोग फीड देते हैं. जैसे ये यहाँ दे रखा है कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है और पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के बीच में से हम फीड दे रहे हैं, तो ये इस तरह की फीड हमारी कैस्केडियन फीड होती है. ए कॉनकेव शेप कॉन्वेक्स शेप रिफ्लेक्टर विच एक्ट एज ए हाइपरबोलाइट इन स्पेस अपोजिट टू द फीड ऑफ द एंटीना इट इज़ कॉल्ड इज नोन एज सेकेंडरी हाइपरबोलाइड रिफ्लेक्टर और सब रिफ्लेक्टर. और ये यहाँ से सिग्नल जो होता है वो सामने एक उसकी फीड के सामने एक कॉन्वेक्स शेप का एक रिफ्लेक्टर होता है, उस रिफ्लेक्टर पे हम उस फीड को ट्रांसमिट करते हैं. वहाँ से वो रिफ्लेक्टर क्या करता है जो कि हाइपरबोला की शेप में होता है, हाइपरबोलाइडल शेप में होता है, वो हाइपरबोला क्या करता है शेप का जो रिफ्लेक्टर होता है वो क्या करता है, इसको बाकी पूरा जो बचा हुआ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है उसकी सरफेस पर इसको रिफ्लेक्ट करवाता है. इसलिए हम इसको सेकेंडरी हाइपरबोलाइड रिफ्लेक्टर या सब रिफ्लेक्टर भी बोलते हैं. यानी कहने की बात यह है कि फीड जैसे पहले तो क्या था कि फोकस पर से सीधा फीड हमारा पैराबोलिक पर जाता था और फिर एयर में ट्रांसमिट हो जाता था, या एयर से सीधा पैराबोलिक स्ट्रक्चर पर इंसिडेंट होती थी वेव और फिर सीधा फीड पर हो जाता था, यानी एक ही इसमें रिफ्लेक्शन होता था. लेकिन कैस्केडियन फीड में क्या होता है कि जो सिग्नल होता है वो सिग्नल पहले तो एक हाइपरबोलिक शेप के कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर पर उसको इंसिडेंट करवाते हैं, तो एक तो रिफ्लेक्शन यहाँ से बनेगा, वो रिफ्लेक्शन होकर पैराबोलिक शेप पर हमारे जो एंटीना है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना है उसकी शेप उसके स्ट्रक्चर पर जाके इंसिडेंट होगा और फिर वहाँ से वो वापस फिर से रिफ्लेक्ट होकर एयर में रिफ्लेक्ट होगा. तो ये यहाँ दो रिफ्लेक्शंस हमारे यूज़ होते हैं, पहला तो हाइपरबोलिक कॉनकेव रिफ्लेक्टर पर और फिर दूसरा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पर. तो इस तरह की फीड को हम बोलते हैं कैस्केडियन फील्ड, जबकि पहले जो हमने अभी पढ़ी थी उसके अंदर देखा था कि सीधा फोकस से सीधा पैराबोलिक स्ट्रक्चर पर सिग्नल इंसिडेंट होता था और वहाँ से रिफ्लेक्ट होता था, या पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पर सिग्नल इंसिडेंट होता और फिर फोकस पर आ जाता था, तो वहाँ सिंगल हमारा रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ डबल रिफ्लेक्शन होता है, तो इसलिए हम इसको कैस्केडियन फील्ड भी बोलते हैं. जो हमारी और ये जो होता है कि ये जो ये हाइपरबोलिक के जो कॉन्वेक्स शेप का जो रिफ्लेक्टर जो लगा होता है वो फोकस की जगह लगा होता है, तो ये हमारा फोकस पर हम पैराबोलिक के बोला के जो स्ट्रक्चर है उसके फोकस पर इसको माउंट करते हैं ताकि जो रिफ्लेक्शंस हो वो रिफ्लेक्शन इसके थ्रू हमारे बने. वर्किंग ऑफ कैस्केडियन फील्ड एंटीना. व्हेन द एंटीना एक्ट एज अ ट्रांसमिटेड एंटीना द एनर्जी फ्रॉम द फीड रेडिएट्स थ्रू अ हॉर्न एंटीना ऑन टू द हाइपरबोलाइड कॉनकेव रिफ्लेक्टर एंड विच अगेन रिफ्लेक्ट बैक ऑन द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर द सिग्नल गेट रिफ्लेक्टेड इन टू द स्पेस फ्रॉम देयर हैज द वेस्टेज ऑफ पावर इज कंट्रोल्ड ऑन द एंड द डायरेक्टिविटी गेट इम्प्रूव्ड. अब कैस्केडियन फील्ड एंटीना की जो वर्किंग है उस वर्किंग के अंदर अगर हम इसको एंटीना की तरह वर्क कर ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह वर्क करवाने हैं तो इसमें क्या कि डायरेक्टिविटी इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा हॉर्न एंटीना हम इसमें यूज़ कर देंगे फीड से, तो वह फीड पर से हॉर्न एंटीना हमारा क्या करेगा सिग्नल को जो एक कॉनकेव सरफेस जो बना हुआ है स्ट्रक्चर जो बना हुआ है जो फोकस पर है
पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के फोकस पर है, उस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के फोकस पर से वो सिग्नल वहाँ इंसिडेंट करवाया जाता है और वहाँ से फिर वो सिग्नल हमारा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पर जाके इंसिडेंट होगा और वहाँ से फाइनली वो रिफ्लेक्ट होकर एयर के अंदर ट्रांसमिट होगा, स्पेस में ट्रांसमिट होगा। और जब अगर हम इसके रिसेप्शन की बात करें तो सेम एंटीना के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्ट्राइक करेंगे पहले तो रिफ्लेक्टर पर, फिर रिफ्लेक्टर से वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे कॉनकेव हाइपरबोलाइड पर रिफ्लेक्ट होंगी। उस रिफ्लेक्शन वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में, कॉनकेव हाइपरबोलाइड से रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो हॉर्न एंटीना जो कि फीड है उस तक पहुँचेंगी और उसके बाद में जो एंटायर जो रिसीवर सर्किटरी है वहाँ हमारा सिग्नल पहुँचेगा इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में। तो और उसके बाद में एम्पलीफिकेशन और अदर जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन की वो प्रोसेस कंक्लूड किए जाएंगे। तो ये हमारा वर्किंग ऑफ कैस्केडियन एंटीना था। तो कैस्केडियन एंटीना और पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के अंदर एक बेसिक जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि कैस्केडियन के अंदर हम डबल रिफ्लेक्शन प्रोसेस यूज़ करते हैं और उसके लिए हम एक हाइपरबोलाइड कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो सरफेस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो क्या है कि ये इसकी शेप है, अगर हम बेसिकली इसका जो कॉनकेव पार्ट है, जो कर्वेचर वाला पार्ट है, कर्व पार्ट है, उस कर्व पार्ट को हम फीड की तरफ रखते हैं भले वो इंसिडेंट हो चाहे ट्रांसमिटेड एंटीना की बात हो। और जो सिंपल है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, उस सिंपल पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में जो हॉर्न एंटीना, डाइपोल एंटीना जिसको हम फीड की तरह यूज़ करें वो सीधा ही रिफ्लेक्टर पर सिग्नल इंसिडेंट करवाता है और वहाँ से ट्रांसमिट होता है, या रिफ्लेक्टर पर सिग्नल जो इंसिडेंट होगा वो वहाँ से रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके और हॉर्न एंटीना या जो भी हमारा डाइपोल एंटीना लगा हुआ है फीड पर उस पर कलेक्ट हो जाएगा। और ये दोनों ही हाइपरबोलाइड ये कॉनकेव स्ट्रक्चर और जो हॉर्न एंटीना डाइपोल एंटीना दोनों ही केसेस के अंदर हमारी ये सिचुएशन जो इनकी माउंटिंग की होगी वो होगी फोकस पर, जो हमारा ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर जो हमने लिया है उसका जो फोकस होता है उस फोकस पर होता है। एडवांटेजेस, द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ बेसिक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना। रिडक्शन ऑफ माइनर लॉब्स, हम जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स यूज़ करते हैं उससे माइनर लॉब्स का रिडक्शन होगा। माइनर लॉब्स क्या होते हैं कि एनर्जी लॉस को करते हैं पहला, तो दूसरा चीज़ क्या है कि हमारा जो ये एंटीना है ये नॉन रेजोनेंट एंटीना है, यानी डायरेक्ट इसकी एक डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शन एंटीनाज है, तो अगर अदर डायरेक्शन में अगर इसके सिग्नल्स अगर हमारे प्रोपोगेट करते हैं तो इसका मतलब है सिग्नल की जो हमारा जो डायरेक्टिविटी है वो उसमें कमी आएगी और उससे एफिशिएंसी कम होगी क्योंकि माइनर लॉब्स उधर जनरेट होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो वो जो माइनर लॉब्स जो जनरेट हो रहे थे उनकी रिडक्शन हमारे इस रिफ्लेक्शन प्रोसेस जो हम इसमें पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में यूज़ करते हैं उससे हमारे वो माइनर जो जो लॉब्स हैं उनका रिडक्शन होगा। वेस्टेज ऑफ पावर इज़ रिड्यूस, पावर का वेस्टेज रिड्यूस होगा क्योंकि जो पावर का जो वेस्टेज था वो माइनर लॉब्स के अंदर होता है, तो माइनर लॉब्स हमने अगर कंपनसेट कर लिए, वो उनको रिडक्शन कर दिया माइनर लॉब्स की संख्या को या उस पावर को, तो हमारा वेस्टेज ऑफ पावर भी वो रिड्यूस हो जाएगा। इक्वल फोकल लेंथ इज़ अचीव्ड, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम अचीव कर सकते हैं इजीली इसके अंदर पैराबोलिक की स्ट्रक्चर की इनकी ज्योमेट्री है। फीड कैन बी प्लेस्ड इन एनी लोकेशन अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, और हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम फीड को कहीं भी सेट कर सकते हैं, वो हमारे स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर हमारा फीड को हम पास में रखना चाहते हैं या दूर रखना चाहते हैं रिफ्लेक्टर से तो वो कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की जो डिज़ाइन है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। एडजस्टमेंट ऑफ बीम, नैरोइंग और वाइडनिंग इज डन बाई एडजस्टिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो शेप है शेप को हम चेंज करके हम बीम की जो वाइडनिंग वो कर सकते हैं। अगर हमने इसके ज़्यादा ही ज़्यादा कर्वेचर ज़्यादा दे दिया, कर्वेचर ज़्यादा दे देंगे तो जो बीम है वो नैरो होगी, अगर कर्वेचर कम दिया है तो जो बीम है वो वाइड होगी। तो हम उसकी बीम की नैरोइंग और वाइडनिंग भी हम एडजस्ट कर सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस को वेरी करके। डिसएडवांटेजेस, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सम ऑफ द पावर दैट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर आर ऑब्स्ट्रक्टेड, दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम विद सम स्मॉल डायमेंशन पैराबोला।
कई बार ये जो पावर जो रिफ्लेक्ट होती है इससे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से जो पावर हमारी रिफ्लेक्ट होती है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है, रोक ली जाती है, वो सरफेस की डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है अगर हमारा। और कई बार क्या होता है कि जो फोकल जो लेंथ है वो अगर हमने प्रॉपरली मैनेज नहीं की, प्रॉपरली हमने ज्योमेट्री नहीं बैठाई, तो रिफ्लेक्शंस प्रॉपर नहीं होते हैं। एप्लीकेशंस जो कैस्केरियन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स हैं वो मेनली सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, और इसके अलावा ये वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हम इसका यूज़ देखते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीनास का। तो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक एंटीना या डिश एंटीना के बारे में जानकारी ली, उसका स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ली जो कि एक पैराबोलिक शेप का है, उसमें जो दो तरह की फीड्स होती हैं, नॉर्मल फीड और एक कैस्केरियन फीड, उस कैस्केरियन फीड के बारे में भी हमने जानकारी ली, इसके एप्लीकेशंस देखे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे। तो बेसिकली ये लगभग थ्योरी है, ओवरव्यू से ज़्यादा ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। धन्यवाद।